सो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा, आप देख रहे हैं द फिट मैरिन। गाइस आज बात करने वाला हूं एक ऐसे सप्लीमेंट की जो कि कहीं ज्यादा बेटर है आपके प्रोटीन से, आपके BCAA से, या कोई भी इंटा वर्कआउट आप ले आइए उससे कहीं ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूं आपको वो सप्लीमेंट। तो गाइज आप भी वर्कआउट करते हैं तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि हमारे लिए जो अमीनो एसिड की सप्लाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी है, चाहे वर्कआउट हो या चाहे वर्कआउट के बाद हो या ओवरऑल डे की मैं बात करूं तो अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी को चाहिए। और जो कंप्लीट प्रोटीन है वो किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। कंप्लीट प्रोटीन हम उस चीज को कहते हैं जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यानी कि अगर किसी में 9 की जगह 8 भी पाए जाएंगे तो आप उसे इनकम्प्लीट प्रोटीन ही मानेंगे। वैसा ही मैं आपके लिए एक सप्लीमेंट लेके आया हूँ, क्योंकि आप प्रोटीन जो है वर्कआउट के अंदर नहीं पी सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पच नहीं पाता है, प्रोटीन पचने में हैवी होता है, इसलिए हम लेते हैं इंट्रा वर्कआउट जिसमें हम स्पेशली लेते हैं BCAAs। लेकिन आज मैं आपके लिए BCAAs से भी एक बड़ा ही बेटर प्रोडक्ट लेके आया हूँ, इसे आप जरूर लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे जरूर ले। सप्लीमेंट का नाम है, ये है बिग मसल का स्पीड EAA × 9। आप देख रहे हैं, पहले मैं इसका जो ओवरऑल है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी कि 100% ये कंप्लीट प्रोटीन का काम करेगा। आपके BCA में सिर्फ 3 होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड में 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे, यानी कि मसल ब्रेक डाउन जो है वो मिनिमम होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन BCA से तो कहीं ज्यादा सपोर्ट देगा, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपके साथ ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूं तो BCAAs में इसमें कितने हैं, 2:1:1 की रेशो, जो कि एग्जैक्ट रेशो होती है, हमें यही रेशो चाहिए होती है BCAAs की, यानी कि BCAAs तो है ही है, प्लस उसके अलावा भी जो 6 हमें अमीनो एसिड चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल का मतलब है जो बॉडी आपकी खुद नहीं बना सकती, आपको डाइट के थ्रू या न्यूट्रिशन के थ्रू से लेना पड़ता है, सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी लेना पड़ता है, ठीक है। 0 कैलोरीज है पर सर्विंग में, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वीगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन और वीगन फ्रेंडली है, प्लांट बेस्ड है ये, ग्लूटेन और सोय फ्री है, यानी कि अगर आपको ग्लूटेन या सोय की एलर्जी भी है तब भी आप इसे ले सकते हैं। मेरे को ये सप्लीमेंट लगभग 1700 रुपए का पड़ा है, पूरी वीडियो देखे बिना मत जाइए, इसके आज मैं आपको बहुत सारे फायदे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए ये आ गया इसका जो नॉर्मल आपका ओवरव्यू था। एक इसके साथ एक और चीज मेरे को बड़ी सही मिली जो कि ये है, ये एक वर्कआउट हमारी टी शर्ट है, वर्कआउट के लिए वेस्ट है जो हम अंदर पहनते हैं, वेस्ट वर्कआउट के लिए, वो मेरे को इसके साथ फ्री मिली है, लगभग 1700 मेरे को ये पड़ा है, 1700 का, तो इसके साथ मेरे को ये भी फ्री मिल गई। चलिए अभी बात करते हैं अगली, क्या ये जो हमारा BCAA है उससे तो बेटर है ये, लेकिन क्या ये कंप्लीट प्रोटीन में इंक्लूड होगा, 100% होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को ही हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। ये मत समझिए जो पाउडर आप खाते हैं सिर्फ वही प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब है, प्रोटीन का अगर मैं आपको साइंटिफिकली मतलब बताऊं तो उसका मतलब है इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि 100% इसमें अवेलेबल है, जैसा कि इसके लेबल पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि किस किस वजह से हम इसे ले सकते हैं, सबसे पहले तो आपका मसल रिकवरी, आप मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था कि आपकी रिकवरी ही आपका रिजल्ट है, चाहे फैट लॉस है या मसल गेन है, तो रिकवरी के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात है मसल बिल्डिंग के लिए 100% आपको हेल्प करेगा। तीसरी बात इसकी सबसे अच्छी है कि बॉडी को एनर्जी भी देता है, इसमें जो एक स्पेशल अमीनो एसिड पाया जाता है वेलाइन, वो क्या करता है हमारी बॉडी में जो थकने वाले हॉर्मोन्स है, थकने वाले जो सिग्नल हमारे दिमाग को जाते हैं उसे ये कम कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है, ताकि वो हमें जो थकावट है उसके सिग्नल हमारी ब्रेन तक स्लो पहुंचते हैं, देर बाद पहुंचते हैं, इस तरह हमारा जो फैटीग है वो डिले हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें BCA से तो ये 100% बेटर है ही है, साथ ही साथ इसके ग्रीन एप्पल मैंने, आप देख रहे हैं ये मंगाया है, तो फिलहाल तक मेरे को ये ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा लगा। अब आपको मैं डोजेज और टाइमिंग बता दें, डोजेज इसका स्कूप एक 10 ग्राम का है, 30 सर्विंग है इसमें, लगभग 300 ग्राम है ये, तो 30 सर्विंग है। लेना कब है, लेना अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछे तो BCAAs की जगह इसे आप इंट्रा वर्कआउट में दीजिए, ताकि आपकी बॉडी को ये अच्छी रिकवरी दे सके। लेकिन अगर आप मील नहीं लेते हैं वर्कआउट से पहले, आप प्रॉपर मील नहीं ले सकते, तो आप इसे आधा घंटा पहले प्री वर्कआउट के तरह भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन नहीं ले रहे तो 100% इसे आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, जैसा प्रोटीन का यूज होता है 100% इसको आप वैसे ही यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो आज का मेरा ये जो इसका रिव्यू था,
फिलहाल तक मेरे को इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि इस सप्लीमेंट में कोई खराबी हो सकती है। हालांकि इसका फ्लेवर कैसा है ये तो मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता, क्योंकि अभी ये पैक ही है। प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हालांकि मैंने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने भी लिखा हुआ, और सारी की सारी सर्टिफिकेशन भी इसके साथ अगर आप पढ़ें तो इसमें सर्टिफिकेशन भी सारी है। तो गाइस आज का रिव्यू मेरा यही था इसके बारे में। अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं BCAA की जगह, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे BCAA से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये कोई वीडियो एंडोर्समेंट के लिए नहीं है, इसलिए आप चाहें तो कोई भी कंपनी का EAA ले सकते हैं BCAA की जगह। मुझे लगता है कि आपको इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये बहुत सारी और भी कंपनीज के आते हैं, क्योंकि इसका प्राइस भी BCAA के सिमिलर ही है, तो क्यों ना हम कंप्लीट प्रोटीन की तरफ जाएं, यानी कि कंप्लीट जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसके आप नाम अभी इस यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसको ट्राई करें। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।